बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज 6 जुलाई को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स इज़ अ स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे बेटा हमें एलैबोरेट करना होगा कि स्मॉलेस्ट है तो कितना सा स्मॉलेस्ट है, व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव एंड यूनिट स्टैंड फॉर व्हाट एंड सब्सटेंस से क्या मुराद है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको समझना होगा। स्मॉलेस्ट से मुराद है कि मज़ीद तोड़ा ना जा सके, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एज सच स्टेट टाइप। उसी हालत में रहते हुए आप उसे मज़ीद ना तोड़ सकें तो उस छोटे तरीन ज़र्रे को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मज़ीद तोड़ेंगे तो उसके अज्ज़ा मज़ीद छोटे ज़र्रात में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन वो एज सच उस एलिमेंट का हिस्सा, उस कंपाउंड का हिस्सा नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे एटम, आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, उसके बहुत ज़्यादा एटम्स इकट्ठे होंगे, आप उनको एक एक करके अलहदा करते जाएं, आखिरकार एक ऐसा छोटा तरीन ज़र्रा आ जाएगा कि जो सिंगल एटम होगा उसको आप मज़ीद छोटे हिस्से में तकसीम नहीं कर सकोगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को हमने एलैबोरेट करना है कि रिप्रेजेंटेटिव यूनिट से क्या मुराद है। वो छोटा तरीन ज़र्रा उस सब्सटेंस की खसूसियात को जाहिर करता होगा, पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के खसूसियात उसमें शामिल होंगे, आप यूं कह लें कि जैसे एक पकवाई वाला जो है वो कहता है कि चावल के एक ज़र्रे को टेस्ट किया तो पूरी देग का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि चावल के उस ज़र्रे में बकिया पूरी देख के चावल जो होते हैं उन जैसे खसूसियात होती हैं। इसी तरह वो एक छोटा तरीन ज़र्रा जिसमें उस सब्सटेंस की तमाम तर खसूसियात मौजूद हों, उस ज़र्रे को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उसके बाद यूनिट, यूनिट के मीनिंग होते हैं सिंगल के, वन, सिंगल, सिर्फ एक होना चाहिए ज़रा। सब्सटेंस बोला गया, सब्सटेंस का मतलब
प्योर पीस ऑफ मैटर होगा। प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, उसका छोटा तरीन जर्रा रिप्रेजेंटेटिव हो और वो आजादा ना एग्जिस्ट भी कर जाए तो उसे आप मॉलिक्यूल कहते हैं। लिहाजा फर्दर अब हम जाते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप्स की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स मुख्तलिफ बुनियादों पर बनाई जाती हैं। नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, याद रखिएगा कि इससे अलावा भी टाइप्स होंगे लेकिन हम यहाँ पे अपने सिलेबस में रहते हुए जो टाइप्स बयान की गई हैं सिर्फ उनका जिक्र करेंगे। तो नेचर ऑफ एटम की बेस पे दो टाइप्स होती हैं। नंबर एक होमो एटॉमिक, एंड नंबर टू हेट्रो एटॉमिक। होमो स्टैंड फॉर सेम, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम्स। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर वगैरह वगैरह, ये हमारे पास एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम होमो एटॉमिक कहते हैं। हेट्रो स्टैंड फॉर डिफरेंट, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम्स, अगर तो डिफरेंट एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसे आप हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे HCl, CO2, H2SO4 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे, या इसको एटॉमिसिटी के बेस पे भी कहा जाता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं ये उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। इसकी बना पे भी हम चार टाइप्स डिस्कस करते हैं। नंबर एक मोनो एटॉमिक, नंबर टू डायएटॉमिक, नंबर थ्री ट्राईएटॉमिक, नंबर फोर एंड लास्ट वन इज पॉलीएटॉमिक। मोनो स्टैंड फॉर वन, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली वन एटम। एग्जाम्पल देखें HE, क्योंकि जब एक ही एटम आजादाना एग्जिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है।
एज वेल एज चूंकि वो एलिमेंट का छोटा तरीन ज़र्रा होता है, एलिमेंट के छोटे तरीन ज़र्रे को एटम कहा जाता है, इसलिए ये एटम है क्योंकि एलिमेंट का छोटा तरीन ज़र्रा है। और मालिक्यूल इसलिए है कि लाजमी तौर पे आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रखता है, इसलिए ये मालिक्यूल भी है। उसके बाद डाईएटॉमिक, डाई स्टैंड फॉर टू, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम्स। सो टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड डाईएटॉमिक। मिसाल के तौर पे H2 या HCl, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं, इसका मतलब ये होमोएटॉमिक है और तादाद के एतबार से ये दो एटम पर मुश्तमल है, इसलिए डाईएटॉमिक है। ये दोनों डिफरेंट एटम हैं लिहाजा ये हेटरोएटॉमिक है, लेकिन तादाद के एतबार से एक एटम हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, सो टोटल दो एटम है, इसलिए ये हमारे पास डाईएटॉमिक है। यहाँ पे भी देखें, ये डाईएटॉमिक, ये भी डाईएटॉमिक, दोनों एटम डिफरेंट हैं, डाईएटॉमिक हेटरोएटॉमिक, दोनों एटम सेम है, डाईएटॉमिक होमोएटॉमिक। उसके बाद ट्राई स्टैंड फॉर थ्री, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम्स, तीन एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक कहलाता है। मिसाल के तौर पे O3, वो तीनों एटम्स सेम होंगे तो वो हमारे पास होमोएटॉमिक भी कहलाएगा और ट्राई एटॉमिक भी कहलाएगा। और अगर वो डिफरेंट हों, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन का दो ऑक्सीजन के, टोटल तीन एटम हो गया ट्राई एटॉमिक, एज वेल एज एटम्स डिफरेंट होने की वजह से वो हेटरोएटॉमिक है। उसके बाद पोली, पोली स्टैंड फॉर मैनी, एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम्स। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एट लीस्ट कम अज कम फोर एटम्स, चार एटम्स होने चाहिए या इससे ज़्यादा, तो उसे आप पोली एटॉमिक में क्लासिफाई करते हो। मिसाल के तौर पे S8, सारे के सारे एक जैसे एटम हैं लिहाजा ये होमोएटॉमिक है, और क्योंकि ये चार या चार से ज़्यादा हो जाएं तो पोली एटॉमिक होता है, और ये आठ हैं इसलिए ये पोली एटॉमिक होमोएटॉमिक है। जबकि H2SO4 देखें, डिफरेंट एटम्स होने की वजह से ये हेटरोएटॉमिक है, और तादाद में ये चार ऑक्सीजन के, एक सल्फर का पाँच हो गया और दो हाइड्रोजन के, सो टोटल सात एटम हैं जो कि चार से ज़्यादा हैं, इसका मतलब तादाद, नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स की तादाद के बना पे अगर देखें तो ये पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। बेटा आपका ये लेक्चर था, अब आपके ये एक होम असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका, आपने मुझे होमोएटॉमिक भी पाँच मॉलिक्यूल की एग्जांपल देनी है, एक चलें चार दे दीजिएगा, एक मोनोएटॉमिक की, एक डाईएटॉमिक की, एक ट्राईएटॉमिक की, एक पोलीएटॉमिक की। हेटरोएटॉमिक में भी आप इसी तरह डाईएटॉमिक की, ट्राईएटॉमिक की और पोलीएटॉमिक की एक एक एग्जांपल। सो तीन एग्जांपल ये हो गई और चार एग्जांपल ये हो गई, टोटल सात एग्जांपल्स आपने मुझे लाजमी तौर पर सॉल्व करके सेंड करनी है। अगर किसी भी बच्चे को समझ ना आए तो वो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, बाकी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।